ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ वो है छठी इंद्री। इसे सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है। कई लोग इसके साथ ही पैदा होते हैं और कई लोग जो है इसे इस धरा पर आने के बाद डेवलप करते हैं। तो छठी इंद्री क्या होती है, इसको कैसे अर्जित किया जा सकता है और इसके क्या काम होते हैं, तो आज इस विषय पर मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो देखिए, हमारे पास जो इंद्रियां हैं वो मूलतः पांच प्रकार की होती हैं। इन पांच इंद्रियों से हटकर कुछ गिने चुने लोगों के पास छठी इंद्री भी होती है, और वो छठी इंद्री मूलतः स्त्री को वरदान में मिली हुई है। स्त्री को जो छठी इंद्री है वो वरदान में मिली है, और पुरुष के मुकाबले जो स्त्री हैं वो छठी इंद्री को बहुत जल्दी एक्टिवेट कर सकती हैं। हमारे पूरे जीवन काल में हमारे पास सिर्फ पांच सेंसेस होती हैं। पहली है देखने की, सुनने की, टेस्ट करने की, टच करने की और सूंघने की। तो ये पांचों इंद्रियां मिलकर हमें पग पग पर हमारी सहायता करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी इंद्रियां भी होती हैं जो कि हमें मूलतः नहीं मिली होती, वो सुप्त अवस्था में होती हैं। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा इंद्री होती है जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, छठी इंद्री। वो उनको विरासत में मिली है। स्त्री में छठी इंद्री जो है वो सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, लेकिन थोड़ी सी जागी हुई होती है। वो ये सेंस कर सकती हैं कि सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है। आपके सोचने से पहले स्त्री ये बता सकती है कि वो क्या सोच रही है, क्योंकि उनकी जो छठी इंद्री है वो जागने ही वाली होती है। अगर वो थोड़ा सा प्रयास करें तो अपनी छठी इंद्री को जगा सकती हैं, लेकिन वो इतनी भी नहीं जागी होती कि वो अपना फ्यूचर देख सके। इसीलिए अगर कोई स्त्री आपसे कहे कि उसे कुछ चीज़ें दिखती हैं, वो कुछ फील करती है, तो उसका उपहास ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं। ये बात 100% सत्य है। यदि आपके घर में कोई है स्त्री और वो कहती है कि उसके सपने में कुछ दिखा, कुछ ऐसा हुआ और फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, तो उस पर आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि स्त्री एक पोर्टल है इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए, और छठी इंद्री के साथ वो आपको पग पग पर गाइड कर सकती है। तो कभी भी जब कोई ऐसा आपको संकेत मिले तो उनको सुनिए। उसमें आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनसे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप पूरे दिन भर में क्या करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनका एक सपना आपको गाइड कर सकता है। तो जो स्त्री वर्ग हैं उनकी बातों को सुनिए। उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि अलौकिक होता है, दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आता है। छठी इंद्री के सहारे आपको आपका भाग्य भी वो बता सकती हैं। और यदि कोई स्त्री अपनी छठी इंद्री पे काम करना शुरू कर दे तो वो देखते ही देखते भूत भविष्य का पता लगा सकती है, क्योंकि उनकी जो छठी इंद्री है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी ऐसे पुराने से मकान में जाते हैं और वहाँ पर जो है नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है, लेकिन जो वहाँ पर स्त्री होती है वो बहुत पहले भांप लेती है। या फिर आपने देखा होगा कि आपका जो डॉगी है वो किसी चीज़ को देखकर भौंक रहा होता है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे होते। तो हमारे जो आँखें हैं इनकी देखने की भी एक क्षमता है, हमारे कानों की सुनने की भी क्षमता है। इससे परे एक बहुत बड़ा संसार है जिसको हम देख या सुन नहीं पाते, लेकिन कुछ जीवों में कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जिनसे कि वो सेंस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की गुप्त
छठी इंद्री आपके पास हो और आप अपना भूत भविष्य देख सकें, तो आपको प्रातःकाल 4 बजे से 5 बजे के बीच में या 6 बजे तक आपको 1 घंटा प्रतिदिन बिना एक दिन भी नागा किए आपको मेडिटेशन करनी है, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो एक प्रसारण होता है। सुबह सुबह आपको एक अलौकिक शक्तियों का प्रसारण सुनने को मिलेगा, उसमें कुछ ऐसा होता है कि जो कि आपको गाइड कर सकता है, आपकी ज़िंदगी बना सकता है, आपको छठी इंद्री दे सकता है, आपके जीवन को बहुत सहज कर सकता है। तो रोज़ सुबह 5 से 6 बजे या 7 बजे तक आप रोज़ ध्यान लगाएं, कुछ भी मत कीजिए, बस आंखें मूंद कर एक जगह पर 1 घंटे के लिए बैठे रहें, सोइएगा मत। क्योंकि मैंने देखा, मैं अभी जो मैंने क्लास शुरू की थी उसमें ज़्यादातर बच्चे सो रहे थे, तो आपको सोना नहीं है, 1 घंटे तक बस ध्यान लगाइए और अपने विचारों पर ध्यान लगाइए, उनको शांत करने की कोशिश कीजिए। ऐसा अगर आप 1 महीने कर लेते हैं तो आपके भीतर परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अगर ये प्रयोग आप 3 महीने तक कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, जो जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी कामनाएं हैं, वो सारी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, फलित हो जाएंगी। अगर इस साधना के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिएगा 999-284-1625 पर, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसी नंबर पे, और जो भी आपकी जो भी आप जानना चाहते हैं वो सब मैं वहाँ पर आपसे डिस्कस कर लूँगा। धन्यवाद।